नहीं, नहीं पता ही नहीं चल रहा भाभी, पता नहीं चल रहा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। दुनिया में मतलब जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। अच्छी खबर यह है कि कुछ दिन बाद अभी मेरा बर्थडे है तो मेरे को भी गिफ्ट रिसीव हुआ है जो कि अब ये जो चीज थी वो बेस्ट थी। अब इसको पढ़ना, अ मैन आस्क प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व्हाट काइंड ऑफ डीड आर बेस्ट इन साइट ऑफ गॉड, ही रिप्लाइड टू प्रे ऑन टाइम। माशाल्लाह, अब इसके पीछे इस चीज को देख लेना बस। लग रहा है काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। सो हियर इज अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आसिफ सिद्दीकी। सो अभी मेरे पास दो खबर है, एक बहुत बेकार खबर है मतलब जो कि बहुत अच्छी थी लेकिन बेकार में कन्वर्ट हो गई, और एक बहुत अच्छी खबर है जो कि मेरे को आपको दिखानी है। तो पहले हम लोग बेकार खबर के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग अच्छी वाली को फिर एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो बेकार खबर ये है कि हम लोग आउट ऑफ दिल्ली जाने वाले थे, दिल्ली बहुत ज्यादा मजा आता और व्लॉग वगैरह शूट करते, मतलब सारी सारी चीज़ें सोच ली थी, सारा पैकिंग वगैरह कर ली, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह कर ली, रील सोच ली, वीडियो सोच ली, ये शूट सोच लिया, वो सोच लिया, लेकिन भाई एक बंदे ने हमारे वो लास्ट मौके पे धोखा दे दिया। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि मतलब लास्ट मौके पे जाके किसी एक बंदे ने धोखा दे दिया जिसकी वजह से आपका जो प्लान था वो कैंसिल हो गया? यू कैन रिलेट कि मैं मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी हम लोगों को। तो ठीक है, अब बात करते हैं अच्छी खबर की। तो अच्छी खबर हमारी ये है कि ये मेरी रूसी है। तो खैर अच्छी खबर ये है कि कुछ दिन बाद अभी मेरा बर्थडे है तो मेरे को भी गिफ्ट रिसीव हुआ है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है देखने में। मेरे को ये ऊपर से लगा कि कुर्ता है लेकिन मैंने जब उसको खोल के देखा तो उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, जिसमें से सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है ये, और दूसरी चीज़ थी ये वॉच। ये वॉच मतलब मेरे को देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। इसका लुक मतलब देखते ही मेरे को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी। तो पहली वॉच ये है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और मतलब बढ़िया लग रही है, अच्छे वॉच, ठीक है। और दूसरी चीज़ दिस सेल्फी स्टिक, दिस इज़ लव, मतलब क्या बात है इसको, मतलब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है भाई, मैं खोल के दिखाऊंगा, खुल जाओ यार, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आप फ़ोन लगा सकते हैं, यहाँ पे लाइट है, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये ब्लूटूथ का सिस्टम है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ ये ट्राईपॉड की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, ये खड़ा हो गया। अगर हमने अपना जो फ़ोन है वो सेल्फी स्टिक में कनेक्ट कर लिया है जो कि है ये, एक मिनट रुकना ज़रा, हाँ, नाउ इट्स लुक्स बेटर, ठीक है, मतलब इतना टाइट ठीक नहीं लगता, पीछे की तरफ आप लूसी देख सकते हो। तो क्या इसको सुलाने के लिए आई है यहाँ पे? वो खुद सो जाएगी, खुद सो जाएगी, उसको सुलाने की जरूरत नहीं है, वो देख लेट भी गई। और लेटी भी कहाँ है? By the way, these are my backgrounds. ये ब्लू कलर का, ये ग्रीन स्क्रीन के लिए ग्रीन कलर का। अरे बेटा ये खाना खा क्या है? छोटा बेटा, ये सबसे छोटा बेटा। इससे मैंने दबाया, यहाँ से ऑन हो गया। अच्छा, अब ये मैंने दोबारा यहाँ से ऑन हो गया, सही है। तो दिस इज़ ब्लूटूथ सिस्टम कनेक्टेड इन माई सेल्फी स्टिक, जो कि यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लगा हुआ था, ये कुछ इस तरीके का है। तो तूने ये निकाल भी लिया? हाँ, निकल भी जाता है, लग भी जाता है। अब देखो दबाऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बेस्ट चीज जो है वो है ये, दिस इज हैप्पी बर्थडे आसिफ सिद्दीकी। इसके अंदर मैंने पहले ही खोल के देखा था, तो जो सबसे बेस्ट चीज है, एक सेकंड रुको जरा, मतलब मैंने इसको बोला कि तू पीछे आएगी, ये पीछे की तरफ मौका पूरे में लेट गई थी। अगर मैं तेरे को दिखा दूं तो, अबे ये दिख रहा है ना, ये अच्छा नहीं लगता ना। ओके ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा, मतलब इसको सेल्फी स्टिक की तरह यूज करना होगा। आ ही गई पूरी। मैं खिलाता हूँ खाना। ये खिलाता है। लूसी कौन खिलाता है खाना? लूसी बता कौन खिलाता है खाना? लूसी बताओ। देख, अगर इसने मेरे हाथ पे हाथ रखा तो मतलब मैं खिलाती हूँ। अगर इसने कुछ नहीं बोला तो मतलब ये खिलाती हूँ। अगर इसने कुछ नहीं बोला तो मतलब मैं खिलाता हूँ। देख रहा है वो, तो तू जबरदस्ती कर रही है उसके साथ। अगर ये नीले वाले पे बैठ गई तो मतलब मैं खिलाता हूँ। ये ब्लैक है, ये नीला है। हो जाओ जरा एक मिनट के लिए भाई। तो खैर गाइस, हम लोग बात करने वाले थे इसके बारे में, तो सबसे बेस्ट चीज़ थी इसके अंदर ये थी, दिस इज अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, ठीक है, एडवांस है, एंड 3 days टू गो। ओके, ये मेरे को, ये योर बिगेस्ट फैन, मेरे लव, ब्लेस यू, ये जो भी चीज़ें देख लो, माशाल्लाह। और इसके पीछे एक कोट लिखा है, दिस इज इमाम इज ऑफ यू टू हाफ, सब्र शुक्र।
इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी लाइन लगी है, अल्लाह मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल, माशाल्लाह। अब ये जो चीज थी वो बेस्ट थी, अब इसको पढ़ना। अ मैन आस्क प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व्हाट काइंड ऑफ डीड आर बेस्ट इन साइट ऑफ गॉड, ही रिप्लाइड टू प्रे ऑन टाइम, माशाल्लाह। अब इसके पीछे इस चीज को देख लेना बस। अल्लाह सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस इन एडवांस, थैंक यू सो मच फ्रॉम द डीप ऑफ माय एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड फ्रॉम ऑल ऑफ माय फ्रॉम टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल ऑफ माय हार्ट टू, थैंक यू सो मच। अब सोच रहा हूं ये खटर पटर इतनी ज्यादा क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा फर्नीचर का काम चल रहा है, इतू सा तो मैं दिखाऊं। अगर यहां पे थोड़ा सा लकड़ी का काम चल रहा है, ये शर्माएगा, हम लोग वाइट लगवा रहे हैं, और ये कहाँ पे लग रहा है वो दिखा। अबे इस जगह पे हमारा फर्नीचर का थोड़ा सा काम चल रहा है अभी। सो गाइस ये कुछ ऐसे बन के तैयार हुआ है, इसमें बेसिकली हम लोगों ने छोटे मोटे सामान रखने के लिए बनवाया लाइक क्रीम पॉट। अब देखो ये बना कैसे है। तो अभी मैं आ चुका हूँ बहन के कमरे में, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा खटर पटर हो रही थी, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा शूट लेना है। अभी भी हो रही है, हाँ, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कम हो रही है। तो यार अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही तगड़ा लाइफ सेविंग हैक, जिससे आप दुनिया में मतलब जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। तो ये हैक जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आप करना क्या है, सिंपल, अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो आपके लिए ज्यादा ये अच्छा होगा। तो आप अपने दोस्त के साथ किसी भी शॉप पे जाइए, कोई भी सामान। तू कौन है? मैं भी सुन रही हूं। अच्छा ठीक है, तू भी सुन रही है। आप अपने दोस्त के साथ किसी भी दुकान पे जाइए, कोई भी सामान पसंद कीजिए, लेकिन लेना नहीं है उसको। मतलब ऐसे शो करना कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी है, या फिर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है जिस वजह से मैंने वो सामान नहीं लिया। 100% ऐसा होगा कि आपके दोस्त के दिमाग में वो चीज क्लिक करेगी कि हाँ यार इस बंदे को वो चीज पसंद आई थी लेकिन इसने ली नहीं, तो आपके बर्थडे पे वो आपको मिल जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आईफोन के शोरूम में जाइए अपने दोस्त के साथ, तो यू कैन गेट आईफोन विदाउट सेलिंग योर किडनी, मे बी योर फ्रेंड सेल हिज और हर किडनी। क्या बकवास है यार, क्या मतलब बहुत, अगर लॉजिकली सोचो तो कितनी तगड़ी बात है ये, सच में तगड़ी बात है। थैंक यू। तो आपको मेरा हैक कैसा लगा, मतलब इसमें इससे आप कुछ भी पा सकते हैं। अपने घर वालों के साथ जाइए आईफोन के शोरूम में, आईफोन के शोरूम में जाइए और मजे करके आइए और सामान लीजिए, सामान देखिए, लेकिन लीजिए। फ्रेंड की किडनी बिकवा सकता है, अपनी नहीं बेच सकता। मैं तो तेरी भी बेच सकता हूँ। तो गाइस आपको मेरा हैक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? ओके। सो खैर गाइस अभी मेरे को जाना है जिम, सबसे पहले मैं जिम जाऊंगा, देन उसके जिम से आने के बाद हम लोगों को जाना है मिनाहिल के बर्थडे में। सो खैर सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मिनाहिल, ठीक है? मतलब ऐसे तो कर ही दिया, लेकिन मिनाहिल के बर्थडे में सब लोग आज काफी दिनों बाद एक साथ होंगे, तो काफी ज्यादा मजा आएगा माशाल्लाह। मतलब साथ में होते हैं ना तो नूर, मतलब फन, मतलब मजा आता है सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो। ज्यादा बातें ना करते हो हम लोग, सिंपल पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। सो खैर अब हम लोग जा रहे हैं जिम। सो टुडे इज लेग डे, हां फीलिंग होती है। मतलब जब घर में आओ तो लूसी से मिलो, लूसी इतने प्यार से पास में आती है, फिर ऐसे पैरों के चारों तरफ घूमती है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सुकून सा मिलता है। तो खैर अभी हालत देख सकते हो कितनी ज़्यादा पसीने आ गया, ये शर्ट यहाँ से भीगी की ली है। तो खैर जल्दी जल्दी हम लोग तैयार होते हैं और निकलते हैं मिनाहिल के बर्थडे के लिए, ठीक है? सब यहाँ पे हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, और यहाँ पे मम्मी भी हो चुके हैं तैयार। मम्मी चल रहे हैं? हाँ चलो, बहुत लेट। ये मम्मी ने गिफ्ट वगैरह सारी की सारी चीज़ें ले ली है, जो कि बाजी खरीद के लेकर आई थी थोड़ी देर पहले। सो हम लोग बिना देरी करते हुए चलते हैं डायरेक्ट, चलते हैं। सो माशाल्लाह डेकोरेशन काफी ज्यादा अच्छी करी है भाभी ने। शिमला का बताओ पहले, अब तुम शिमला का चलेंगे किसी से? भाई ये बताओ बुरा कितना ज्यादा लगा था हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से, और ये बहुत ही बुरी बात है। अच्छा आगे का बताओ, जो मैं भाई के साथ जाने वाले थे, प्लान बनेगा, जैसे प्लान बनेगा हम निकल लेंगे। मैं अगर होता ना, हम लोग निकल जाते, अगर लाइसेंस होता ना निकल जाते हम लोग, लेके निकल चुका होता, बैग टांगता, चलो भाई वादियों में चलते।
भाई रील इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या सोच रखी थी चीजें बहुत। तो रील्स पे वीडियो सेम करके रखी थी। अभी हम लोग लेने आए रोटी, ये चीज मेन नहीं है, मेन चीज है ये चप्पल। कुछ गंदे गंदे से लग रहे हैं पता नहीं। तो भाई मैं चप्पल कैसी लग रही है? वैसे ये चप्पल पता नहीं है किसकी, शायद भाभी की है। तो घर गए हम लोगों ने रोटी वगैरह ले ली और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। कोई बात नहीं। एक ऊपर भी है तुम्हारे। भाई डर रही है भाई। कोई नहीं लिया। बोलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीना हिल डे टू यू। सही से मैं गरम हूं। अरे ज्यादा हो गया। नहीं पता ही नहीं चल रहा भाभी, पता नहीं चल रहा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। अब मजा आया जब ये चाचा थे, अभी पापा की बारी है। वो कहां भाग गए? सिकंदर भाई बच गए। अभी मिनाइल के साथ बहुत प्यारी प्यारी फोटो खींची मैंने, ये देखो। हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। खैर आप लोगों को जरा ये देखो देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शिक्की बेटी है। हां प्यारी बेटी है, क्यूट लग रही है। मतलब जो इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ना तो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है सच में, माशाल्लाह। और ऐसे सो खैर गाइस यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लखवा दे आप। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।